खालिद भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तालीम वो चीज़ है जो इंसान को, अगर जिसके पास तालीम नहीं है तो वो आँखों से आँख का अंधा और बगैर एजुकेशन का अंधा, ये बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बात बता दूं, आपने इतना बेहतरीन कदम उठाया, मैं इसके लिए आपको बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों की हौसला अफजाई है। और हमारे दरमियान नेहा नाइक साहबा सहर मौजूद है, शाहरुख सैयद साहब मौजूद हैं। जावेद भाई, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके के हौसला अफजाई हर मोहल्ले पड़ोस में होनी चाहिए। और आपने जो ये पहल की है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? आफरीन कासिम सैयद। अच्छा, जैसे कि पूरा मुमरा जान ही चुका है कि आप मुमरा में टॉप करने वाली लड़की है, तो आप जो मुमरा के इस साल आने वाले दसवीं के बच्चे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? यू हैव टू मेक अ स्टडी शेड्यूल, आपको स्टडी शेड्यूल को फॉलो करना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर रखना है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। इफ यू गिव योर बेस्ट, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द रेस्ट। बोलो 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 बोलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दसवीं का जो एग्ज़ाम होता है, तो वो कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे हम भी पढ़ाई की है, तो हर किसी को ये पता रहता है कि दसवीं का जो एग्ज़ाम होता है वो पहला पढ़ा होता है, जहाँ बच्चा जो है उसको ऐसा लगता है पास होने के बाद कि मेरी ज़िंदगी में कुछ, तो भी मेरी तरफ से मैंने पहला लैंडमार्क जो है वो क्रॉस किया। तो उस वक्त जो है अगर उसकी हौसला अफजाई की जाए या उसे बुला के जो है उसकी शाबाशी दी जाए, तो उसका बच्चे का हौसला बढ़ता है। तो हमारी ये पहल थी, हमने सोचा था कि हम पूरा मुमरा तो कवर नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे एरिया के जो लोग बच्चे लोग हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो 40% से पास हुआ हो या चाहे वो 90% से पास हुआ हो, पास होना ज़रूरी है। तो हमने ये हमारी सोच थी कि उनको बुला के हमारे ऑफिस पर एक सम्मान के तौर पर एक ट्रॉफी, खुशी के तौर पर एक मिठाई का डब्बा और एक छोटा फूल, और ऐसा हम लोग उनने उनको जो है सम्मानित करने की कोशिश की, ताकि आगे फ्यूचर में जो है बच्चा इस हौसला अफजाई को आज लेते हुए 12th का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है और बहुत सी फील्ड है लाइफ में, उसमें जो है वो तरक्की करे। इस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई, तो ये ख्याल आपको आएगा? मैम अभी आप यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे जावेद अहमद सर ने जो दसवीं के पास हुए बच्चे हैं उनको मतलब अवार्ड दिया है और सम्मानित किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सोच रखते हुए हमारे शहर के उन बच्चों का सत्कार किया, उन बच्चों को पार्टिसिपेट करके मोमेंटो और फूल के गुलदस्ते के साथ, मिठाई के डब्बे के साथ उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जो हमेशा बच्चों के लिए यादगार रहेगा। जब आप इस तरीके से छोटे छोटे फेलिसिटेशन करते हो इनकी कामयाबी के पीछे, तो इन्हें एक हौसला बढ़ता है, इससे आगे कुछ करने का एक उम्मीद जाती है। तो मुझे लगता है कि जब काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है, कामयाबी छोटी हो या बड़ी कामयाबी होती है, उसके पीछे अगर हम थोड़ा सा अगर किसी को सहार दें या सत्कार करें तो उससे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन, तो नेवर गिव अप, यू शुड ऑलवेज कीप हार्ड वर्किंग हार्ड नो मैटर व्हाट। अगर आप गिरो उठ कर संभल कर दौड़ना, यही ज़िंदगी का दस्तूर है। तो अगर जो बच्चे फेल हो गए तो निराश ना हो, वापस से आने वाले दस्तूर इस साल में आप एग्ज़ाम अपियर करो और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। बट ये सोच के आप ना उम्मीदी ना होना, क्योंकि ना उम्मीदी कुफ्र है कि मैं फेल हो गया अब मैं नहीं वापस अपियर करूँगा, इससे आप गिव अप करोगे, इससे आप लाइफ में अपने गोल से हट जाओगे। सो यू नीड टू बी एजुकेटेड एंड यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, देन ओनली यू विल अचीव समथिंग। आशिम सर, जैसे यहाँ पे देखा गया कि जो दसवीं के पास जो स्टूडेंट्स थे उन्हें सम्मानित किया गया जावेद अहमद शेख द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, तो अब इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल ने जो आज ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, उन्होंने जो 10th में जो लोग पास हुए थे अच्छे परसेंटेज से हो या
थोड़ा ऊपर नीचे परसेंटेज भी होता है, उनके लिए उन्होंने एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट वगैरह मिठाई वगैरह देकर उनका हौसला अफजाई किया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एजुकेशन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इससे बच्चों को एक खुशी होती है और एक हौसला उनका बढ़ता है। यहाँ पर जो इस वार्ड के 10वीं के पास हुए बच्चे उन्हें सम्मानित किया गया है, मगर कहीं ना कहीं मुमरा के जो बाकी बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनको आप इन बच्चों का ही मैसेज उन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि वो सारे हम उम्र है, हम तो वैसे लेक्चर देते रहते बच्चों को, पर आज आई अप्रिशिएट हमारे जो कौसा ब्लॉक के अध्यक्ष हैं जावेद, मुझे जावेद मेडिकल ही कहते हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता है, जावेद शेख, और यहाँ पर हमारे यहाँ नया नाइक है और हमारे अभी के जफर रुमानी साहब भी है, बाकी उनकी सारी टीम है, उमर भाई है, ये हमारी सब की तरफ से मैं इन्हें मुबारकबाद देती हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आज इन्होंने इन बच्चों को सराहा है, उन्होंने जो भी सक्सेस हासिल किया है उसको एक छोटे से टोकन दे के उसे कंसिडर किया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी, स्पेशली माओं को, क्योंकि बिगड़ा हुआ बच्चा हमेशा माँ का होता है और होनहार बच्चा हमेशा अपने डैडी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चों के पूरे लाइफ में, उनके अपब्रिंगिंग में, उनके कैरेक्टर बनने में माँ बाप का एक जैसा ही साझा हाथ होता है, और मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह के लाड़ अपने बच्चों के करो, आपके हैसियत हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में उनसे सख्ती से ही पेश आना। और ये क्या बनना चाहती हो तुम? डॉक्टर हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि डॉक्टर बन के वो समाज की सेवा करना चाहती है। यहाँ पर जिनको भी जो भी बनना है, सो आई प्रे टू अल्लाह गॉड के इंशाल्लाह उनकी सारी मुरादें ज़िंदगी में पूरी हो, एंड हम फिर से उनके सक्सेस होने के बाद अगर जिंदा रहे तो जरूर फिर से इनका सत्कार करेंगे जब ये मेडिकल में फर्स्ट आएंगे।